फिर भी आपकी आंखों में आंसू हैं इस बात पर। बड़े साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, मृत्यु जहां भय के कारण मेरी आंखों में ये आंसू नहीं है, ये आंसू तो इसलिए हैं, उस वक्त जब चुनवा रहे थे, ईंटें गर्दन तक आ रही थी, तब भी सोच क्या थी। उन्होंने कहा कि मेरे आंसू तो इसलिए हैं कि तुम मुझसे छोटे हो, मुझसे पहले तुम शहीद हो जाओगे, मेरी आंखों में इसी का दुख है। उस वक्त जब बिल्कुल मौत के निकट, क्रूरता का चरम सीमा, और सोच देखिए आप उनकी। ऐसे बाल वीर योद्धा माता गुजरी के नन्हे लाल अपने धर्म से डिगे नहीं, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, अपनी महान सिख परंपरा से विचलित नहीं हुए इन हालतों में। ये जो बलिदान है, ये जो एग्जाम्पल है सुप्रीम सेक्रीफाइस का, आप ही बताइए कि इस बलिदान को, इस वीरता को, इस त्याग को, इस साहस, इस धैर्य, इस पराक्रम को क्या उपमा दें, क्या कल्पना दें, क्या उदाहरण दें, इस शहादत को तो क्या सम्मान दें, जितना भी देंगे उतना ही कम है। एक नन्ही से उम्र में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का यह शहादत हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा, मान्यता और इतिहास में मुकुट मणि है, एंड वी मस्ट टेक प्राइड इन दिस। आज माता गुजरी जी को भी नमन करना जरूरी है, जिस वीर माता ने ऐसे नन्हे वीर बलिदानियों को जन्म दिया, उनका लालन पालन किया और अंत में स्वयं भी अपनी बलिदानियों के साथ में उन्होंने शहादत पाई। आज पूरा देश, पूरा विश्व, सभी गुरु नानक नाम लेवा, सभी सिख धर्म, सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ में वीर बाल दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, आज स्कूलों और कॉलेजों में आयोजन हो रहे हैं, रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों, हवाई अड्डों, वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। मौका मिलेगा तो आप जरूर उसको देखिए। देश भर में विशिष्ट गणमान्य जन साहबजादों के जीवन और बलिदान गाथा सुना रहे हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आज हमने सबने एक परिवार की तरह मिलकर उनकी वीर गाथाओं को कई रूप में देखा, गतके के रूप में, नाटक के रूप में, शब्द के रूप में, और कविता और संगीत के रूप में देखा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने सरल और सुंदर तरीके से हमको इस गाथा के बारे में बताया है। आप सभी ने भी राजभवन में इस सभागार में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी कलाकारों को सचमुच, आप ईच वन ऑफ यू हैव इम्प्रेस्ड मी डीपली टुडे। जो सबसे छोटे छोटे थे उनको देखकर तो एक अलग ही आनंद आया। मेरी आप सबको सत श्री अकाल, मेरा आपको नमस्कार, जय हिंद, और मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आखिर में वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल और जय हिंद।